इसको विवादास्पद रिपोर्ट मानता हूं, वो है शव परीक्षण रिपोर्ट। ऑनरेबल लॉर्डशिप, कृपया कर इस दृष्टि, इस रिपोर्ट पर आप दृष्टिपात करेंगे जी, तो दिनांक 9, आप कहां से बता रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा से हूं, मेरा नाम पीयूष शर्मा है सर। जी जी सर, कि जो महिला 100% जल चुकी हो, आप उसके योनि मार्ग से शुक्राणु कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाह के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो, मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। लॉर्डशिप, अगर देखेंगे इस प्रकरण की सबसे ज्यादा, मैं जिस इसको विवादास्पद रिपोर्ट मानता हूं, वो है शव परीक्षण रिपोर्ट। ऑनरेबल लॉर्डशिप, कृपया कर इस दृष्टि, इस रिपोर्ट पर आप दृष्टिपात करेंगे जी, तो दिनांक 9, आप कहां से बता रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा से हूं, मेरा नाम पीयूष शर्मा है। 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा रात 11:30 बजे की गई लॉर्डशिप। सबसे पहला प्रश्न उठता है माननीय न्यायालय के समक्ष, ये माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन ये बात नहीं बता पाया कि आपको रात 11:30 बजे, जहां पर पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे कंडक्ट की, पहला सवाल मेरा माननीय न्यायालय के समक्ष ये है। दूसरा, लॉर्डशिप ये कहते हैं अपनी ही इस रिपोर्ट में कि 100% बर्न इंजरी का केस है लॉर्डशिप। श्रीमान, माननीय न्यायालय से मैं इसी परीक्षा का तीसरा नंबर का जो पेज है उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये लिखते हैं कॉलम नंबर 11 में बाहरी और भीतरी जननेन्द्रिय, उसमें ये अलग स्याही से लिखते हैं NAD, जिसका अगर माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं तो वो लिखते हैं कि नॉट एनी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट, लेकिन अगले ही नीचे ही कोई अन्य व्यक्ति, में माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकर्षित कराना चाहूंगा। सर, संगीता युवनाती की जप्ती पर अगर आप दृष्टिपात करते हैं लॉर्डशिप, तो ये देखेंगे कि ये पोस्टमार्टम के पहले दोपहर 3:50 पर हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है। तो पुलिस के पास किसी भी महिला के वेजाइनल स्लाइड बनाने की क्या क्षमता थी? माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन इस बात को स्पष्ट करने में पूर्णतया विफल रहा है कि पोस्टमार्टम तारीख बताइए सर, 9/4/21 को 3:30 पर वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन कॉलम नंबर 13 में आप देखेंगे, कॉलम नंबर 13 में नमूना सील की जगह संगीता अंकित है, लेकिन थाने की सील नहीं लगी हुई है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, मेरा निवेदन है सर, ये चूंकि मेरा पहला अवसर है, इसलिए अगर कोई दृष्टता हो तो क्षमा करें। आप बिल्कुल आराम से बहस कर लीजिए सर, डोंट वरी। लॉर्डशिप, मैं पहली चीज, ये जो मैंने तैयारी की थोड़ी सी, डॉक्टर पारिक और मोदी हैं, इनके मुताबिक जब इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिस पर ये डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, इनमें इन्होंने लिखा था कि शुक्र के धब्बों की परीक्षा। लॉर्डशिप, ये बताते हैं कि स्पर्मेटोजोआ, जिसको शुक्राणु कहते हैं, इसकी उपस्थिति जानना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके विरोधी तत्व जैसे कपड़ों का प्रकार, पुरानापन और प्रयोगशाला में पहुंचने तक वे धब्बे किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष बताना बहुत आवश्यक होगा। लॉर्डशिप, पहली चीज ये उठती है कि आप 9/4/21 को, सर है माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है सर, कि जो महिला 100% जल चुकी हो, आप उसके योनि मार्ग से शुक्राणु कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाह के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो, तो ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया ये भ्रम और प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होता है कि जलने के बाद किसी भी महिला की वजाइनल स्लाइड प्रिपेयर नहीं की जा सकती। ऑनरेबल लॉर्डशिप से मेरा दूसरा बहुत बड़ा निवेदन है सर, अभी मैं एक लेटेस्ट एक जजमेंट था जिसमें शरद बिरतीचंद का हवाला हुआ था, और एक हवाला आया था सर 1984 का, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय का पेज नंबर 116 है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी माननीय न्यायालय के समक्ष अगर आप कोई भी प्रकरण पेश करते हैं जिसमें आप परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात करते हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन को यह स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि केवल आप कह देने मात्र से कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, कह देने मात्र से कि कोई रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है, आप उसको अभियुक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाय चेन, कड़ी बाय कड़ी और साक्ष्य बाय साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से परी कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। लॉर्डशिप, ठीक इसी तरह की प्रकृति का मामला था हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी रवि कुमार सॉरी राहुल वाला एक केस था जी सर, ये वाली कॉपी सर दीजिए। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है
और मैं माननीय न्यायालय का सर इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइलिंग को पेज नंबर 138 से डिस्कस करना शुरू किया था और उसमें 38 हाँ सर मतलब वो शायद कंडी का क्रमांक 138 से सर हाँ, जी, जी. उसमें उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग पद्धति के बारे में बताया सर जी. माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसे मामलों के बारे में कहना था कि डीएनए किया जाता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीएनए को करने के लिए और माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इसकी आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो स्लाइड है जो नमूना है उसको विधिवत संरक्षित किया गया, उसको विधिवत लैब तक पहुंचाया गया, क्योंकि डीएनए के ऐसे अणु होते हैं जो शरीर के किसी भी तरल भाग द्वारा गुजरते रहते हैं. इसी तरह डीएनए का पॉजिटिव आ जाना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि ऐसी संपूर्ण परिस्थितियों को माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट ना कर दिया गया हो. लॉर्डशिप इस पूरे प्रकरण में जो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रकरण प्रस्तुत किया है उसमें भी 5 माह के विलंब के बाद ये जो सैंपल था पहुंचाया गया. लॉर्डशिप इस प्रकरण में ना तो कोई सीलबंद लिफाफा है और आफ्टर मतलब 4 माह के बाद सर ये इसकी डीएनए सैंपलिंग कराते हैं. ये इसकी रिपोर्ट आती है सर 20/9/2021 को. लॉर्डशिप 20/9/2021 की आप रिपोर्ट देखेंगे और 9/4 को महिला का पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है. साहब 3 महीने तक ये कहां इस स्लाइड को रखे रहे बिना सीलबंद नमूने को जी. थाने में रखा रहा जी. थाने में जब आप रखे रहते हो तो नमूने से छेड़छाड़ करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. और लॉर्डशिप इस प्रकरण की सबसे बड़ी चीज आती है कि जब ये वेजाइनल स्लाइड और स्वैब बताते हैं, जबकि मैंने माननीय न्यायालय को पूर्व में निवेदन कर बताया था कि इन्होंने केवल सर स्लाइड प्रिपेयर की थी, स्वैब नहीं बनाया था सर जी. तो सर ये स्वैब इनको कहां से प्राप्त हो गया अतिरिक्त? इसका मतलब ये है कि अभियुक्त को झूठा बचाने के आशय से इन्होंने ये पूरी कथा रची है. लॉर्डशिप इसके बाद जब ये जांच होती है फिर ये स्लाइड वापस आता है. लॉर्डशिप ये इसका ब्लड निकालते हैं. ब्लड इन्होंने निकाला, किस अवस्था में निकाला, कितनी मात्रा में निकाला, किस तो उसका तो मेमो होता है बनता है सर. लेकिन मेरा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि सर आपने तो ब्लड निकाल लिया लेकिन इसके पहले तक हमको फंसाने की संपूर्ण कार्यवाही अभियोजन के द्वारा सुनिश्चित कर ली गई. आईओ एग्जामिन हो गया सर, आईओ से पूछा ये सब चीजें. सर अभी तो मैं माननीय न्यायालय के समक्ष डिले के लिए आया था कि हमारा ट्रायल नहीं हो पा रहा. देने आए बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन ये सारे सवाल तो आप आईओ से पूछेंगे ना. मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रॉपरली सील नहीं किया गया, डॉक्टर आएगा डॉक्टर से पूछेंगे सर, है ना. और सर आप उससे पूछेंगे डॉक्टर से पूछेंगे 100% बर्न केस में जो है ये वेजाइनल स्लाइड बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द बर्न इंजरीज ऑन द एफिकेसी ऑफ द स्पर्म्स और द डीएनए मटेरियल व्हिच हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वेजाइना ऑफ द विक्टिम. तो ये सब बातें तो आप वहां पूछेंगे. मैं माननीय न्यायालय से एक विनम्रतापूर्वक और एक निवेदन करूंगा. आप घटना बताते हैं साहब, अभियोजनी घटना बता रहा है, जिस दिनांक की घटना बता रहा है ये बता रहा है. सर मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय न्यायालय ने अपने सुस्थापित सिद्धांतों पर बताया है कि जब आप कहते हैं तो संदेह से परे प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए. लेकिन सर ये प्रथम दृष्टया की बात कर रहा हूँ सर, आप बता रहे हैं कि जो अप्रैल 2021 जिस समय पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था उस दिन आप लॉकडाउन के समय में घर में लड़की को अकेला छोड़कर कहीं जाते हैं. लॉर्डशिप जब लॉर्डशिप वहां पे सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है ऐसी दशा में कोई किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेगा. लेकिन तीसरी बात मेरा माननीय न्यायालय से सिर्फ एक बात कहनी है कि जब आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, आपने फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाते हुए अभियुक्त को ब्लड सैंपल कराया जिसमें भी काफी विलंब हुआ, ऐसी दशा में अभियुक्त माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखता है क्योंकि इसका सर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. माननीय न्यायालय से मेरा इस बात के लिए भी विनम्र आग्रह है कि सर आज एक जो लड़का बहुत मेहनत कश मजदूरी के साथ अपना जीवन यापन करता है उसको जिन आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष उसका प्रकरण प्रस्तुत किया गया है वो रहम के आधार पर और इस सद्भाविक आधार पर कि उसको लगभग एक वर्ष हो गया है, ऐसी दशा में भी हम शायद माननीय न्यायालय से रहम की पात्रता रखते हैं. जो जितना आर्गुमेंट ले रहे हैं सर उससे तो सब डॉक्टर और आईओ ही बता पाएगा, बाकी मेरिट पे तो सर जो दुबिटनेस है प्राची और हसिता इनकी जो सहेली है जी इसने पूरा बताया. इसके क्या बताया पढ़िए. और जो ये डिसीज है सर एजेड अबाउट 15 इयर्स ऑफ एज. बंद कैसे हो गया था ये? आपने बंद किया था ये? अभी मैंने ऑन किया, बंद कैसे हो गया?
मैं माननीय न्यायालय से एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय न्यायालय अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी जमानत को देखते हुए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, साक्ष्य को टेम्पर्ड करने की स्थिति, और जैसा भी प्रोसिक्यूशन ने कहा है सर, डॉक्टर और पुलिस तो हमारी जद में नहीं है, और जिनका नाम आप ले रहे हैं सर उनके भी साक्ष्य कराए गए हैं घटना के 6 माह बाद। जो रिलेवेंट पोर्शन है प्लीज पढ़ सर, कि राजा गुप्ता जनवरी 2020 में डांस का प्रोग्राम के पहले मुझे शिवानी आहके एवं शिवानी की माँ, शिवानी की बुआ परिवार के लोगों को लेकर देवरानी दाई मेला में ऑटो से लेकर गया था। तभी से शिवानी एवं राजा गुप्ता का परिचय हो गया। ऑटो राजा गुप्ता के पास है। कक्षा 10वीं पास करने के बाद हम लोग एडमिशन कक्षा 11वीं इसी स्कूल में हो गया था। कक्षा 11वीं में प्राची भी एडमिशन ले ली थी। मैं, प्राची व शिवानी आके तीनों अच्छे दोस्त थे। शिवानी कक्षा 11वीं में मैं बताती थी कि राजा गुप्ता से उसका प्रेम संबंध हो गया है, राजा गुप्ता शादी करेगा। दिनांक 7/4/2021 को हम तीनों लोग रोजाना की तरह ज्ञानोदय स्कूल में कोचिंग में गए थे। तो शिवानी दुखी थी। मैंने पूछा कि क्यों दुखी हो, तो उसने बताया कि राजा गुप्ता ने मुझसे प्रेम संबंध है और उसने साथ में गलत काम भी किया है, लेकिन अब शादी से मना कर रहा है। दिनांक 8/4/2021 को फिर शिवानी 10 बजे रोजाना की तरह कोचिंग में आई थी और वह काफी दुखी थी। अब मैंने उससे पूछा कि क्यों दुखी है, तो शिवानी बोली कि मैं, वह बर्बाद हो गई है और राजा गुप्ता शादी करने से मना कर रहा है। फिर करीब 12 बजे कोचिंग समाप्त होने पर शिवानी अपने घर चली गई। फिर शाम को 6 बजे कोचिंग वाले शरीफ सर ने मुझे फोन करके बताया कि शिवानी जलकर मर गई है। मैंने शिवानी और राजा गुप्ता के प्रेम संबंध की बात पहले भय के कारण किसी को नहीं बताई थी और पहले पुलिस वालों ने भी पूछताछ नहीं किए थे, और जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ किए तब मैंने शिवानी और राजा गुप्ता के प्रेम संबंध की बात बताई थी। इसी प्रकार सर प्राची का स्टेटमेंट है। लड़की तो माइनर है ना, 15 साल की है, और डीएनए रिपोर्ट लिखी। शरी